हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि राजस्थान में इलेक्शन का दौर चला और रिजल्ट जो है हम सबके सामने 4 दिसंबर को आ गया। अब आरपीएससी ने भी जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल भी एक दिन का भी जो है गैप नहीं लिया और 5 दिसंबर यानी आज की डेट में एक बड़ा रिजल्ट जारी हुआ है और फाइनल कट ऑफ भी जो है जारी हो गई है सामाजिक विषय की। तो चलिए देख लेते हैं आरपीएससी की मेन वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और कितना जो है कट ऑफ गई है, ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। सामाजिक विषय के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी जो है इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं 5 दिसंबर 2023 सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड एग्जामिनेशन 2022 सोशल साइंस का रिजल्ट। तो यहाँ लिंक पर जो है क्लिक करेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 5 दिसंबर 2023 वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा 2022 माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से रिजल्ट जारी हुआ है सामाजिक विज्ञान विषय का। उक्त विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से करवाई गई। काउंसलिंग के बाद निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर के समूह को कोष्टक में अंकित मेरिट क्रमांक के अनुसार मुख्य सूची में सफल घोषित किया जाता है। अभी जो है ये मेरिट क्रमांक रोल नंबर है टीएसपी क्षेत्र के, तो कुल जो है यहाँ टीएसपी क्षेत्र में 313 कैंडिडेट सफल घोषित हुए हैं। उसके बाद नॉन टीएसपी क्षेत्र रोल नंबर आप बिल्कुल आराम से देखिएगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे, ताकि आप ओपन करके अपना रोल नंबर बिल्कुल आराम से देख सकें। तो नॉन टीएसपी क्षेत्र में 1292 बच्चे जो है सफल घोषित तो हुए हैं। उसके बाद जो है टीएसपी एरिया की कट ऑफ है, नॉन टीएसपी एरिया की अगर हम बात करें तो यहां पर कट ऑफ जनरल की जो है 313.33 गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर हम देखें 278.98, एससी की अगर हम देखें 267.93, एसटी की 240.41 गई है, ओबीसी की अगर हम देखें तो 308.93, एमबीसी की 287.40। ठीक है, तो ये रहा कट ऑफ। तो कट ऑफ जो है वो आप देख लें, और जिन अभ्यर्थियों का यहाँ रोल नंबर है जो सफल घोषित हुए हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट का। रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है और ये 2024 आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा साबित हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2024 में आप लोग अध्यापक बन जाएंगे। नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु मुख्य सूची में सफल घोषित अभ्यर्थी, ये रोल नंबर है एक, पूर्व में जारी विचारित सूची में सम्मिलित नहीं था। उक्त अभ्यर्थी परिणाम जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में वांछित मूल दस्तावेजों और उनकी स्व प्रमाणित फोटो प्रतियां आवेदन पत्र के साथ जो है प्रस्तुत हो जाएं। अभी जो है ये अभ्यर्थी जिनका रोल नंबर है बिल्कुल ध्यान, अगर इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि पहले जो लिस्ट जारी हुई थी तो उसमें इनका नाम नहीं था और अभी जो है ये रोल नंबर है, तो ये जो है जो भी जिनका भी रोल नंबर है तो बिल्कुल आप लोग देख लें, और आप लोग आपको जो है प्रस्तुत होना है आयोग कार्यालय में। प्रशासनिक कारणों से जो है 20 अभ्यर्थियों का परिणाम रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये 20 अभ्यर्थियों के रोल नंबर है। तो ये पूरी लिस्ट जो कि यहाँ पर डाली गई है, अभी वीडियो को पॉज करके भी जो है आप देख सकते हैं, और बाकी मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग आराम से अपना रोल नंबर देख सकें। तो ये बहुत बड़ी जो है न्यूज़ है आरपीएससी की तरफ से, क्योंकि जैसे ही जो है यहाँ पर रिजल्ट जो है आप देखिए 5 दिसंबर 2023 को जो है आ गया है, 4 दिसंबर को जो है इलेक्शन का रिजल्ट आया और 5 दिसंबर को जो है वो आरपीएससी ने काम करना भी स्टार्ट कर दिया। तो जो भी अभी रिजल्ट रह गए हैं तो बिल्कुल अब आ जाएंगे, आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो जिनके अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगेन बहुत बहुत बधाई उन स्टूडेंट्स को जो सफल घोषित हुए हैं और अब वो जो है अध्यापक बन गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।